दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए कप्तान बनते ही सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मैच के लिए 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा काम कर करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया तो आखिर सूर्य कुमार यादव ने किन 2 खिलाड़ियों को दिया है जगह जिनका करियर अब खत्म हो चुका था। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन 2 खास खिलाड़ियों के साथ साथ हम सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वर्ल्ड कप अब समाप्त हो चुका है। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच में जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। लेकिन अब दोनों टीमों में 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में आमने सामने होने वाली है। वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद T20 सीरीज के दोनों टीमों का स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। भारत की तरफ से इस सीरीज में कई बड़े बड़े नाम को खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे युवा भी किसी से कम नहीं है। मैदान पर विश्व कप की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन स्क्वाड में रखकर तैयार किया गया है। इस सीरीज में हार्दिक पांड्या अभी भी बाहर आए हैं और ऐसे में चयनकर्ताओं ने कप्तान से लेकर पूरी स्क्वाड को बदल कर रख दिया है। इस सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है तो ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 23 नवंबर से शुरू हो रही है और पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वहीं विकेट का पट्टनम से करवा आगे बढ़ाकर 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा और वहां पर टीम इंडिया का दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। तीसरा और चौथा मुकाबला 28 नवंबर और 1 दिसंबर को गुवाहाटी और फिर रायपुर में खेला जाएगा। यहां से कारवा उठकर बेंगलुरु के मैदान पर 3 दिसंबर को पहुंचेगा और वहां पर टीम इंडिया को अंतिम मुकाबला सीरीज को खेलना होगा। टीम इंडिया विश्व कप में 10 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, जिसके बाद भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है और अब सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में हमें कई भारतीय टीम की तरफ से नए चेहरे खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव कप्तान बनते ही भारत के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में जगह देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। इन दोनों का करियर लगभग खत्म होने की कबार पर आ चुका था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों पर सबसे अधिक भरोसा जताते हुए पहले T20 मैच के लिए टीम में शामिल कर प्लेइंग 11 को तैयार किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सूर्य कुमार यादव द्वारा तैयार की गई प्लेइंग 11। सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग की जिम्मेदारी सबसे अच्छे मित्र ईशान किशन के साथ साथ शिखर धवन को दी है। यह तो हर किसी को पता है, शिखर धवन किसी भी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो उनका बल्ला हमेशा धारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन लंबे समय से टीम से ड्रॉप होने के कारण उनका मनोबल टूट गया। मगर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने इनको टीम में शामिल कर लिया है। ईशान किशन को भी विश्व कप में ज्यादा मौका खेलने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब जब उन्हें मिला है तो अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं, इसलिए सूर्य कुमार यादव ने इन दोनों को ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दे दी है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद सूर्य कुमार यादव अपने आप को रखा है। सूर्य कुमार यादव भारत अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, भले ही उनका बल्ला विश्व कप के फाइनल मैच में न चला हो, मगर हर कोई सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा फैन है और उनकी बल्लेबाजी देखकर अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 4 पर टीम की कमान संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा को रखा है। यह भी T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और उनके सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज घुटने टेक देते हैं, इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें इंडिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह नजर आ सकते हैं। हर किसी को पता है रिंकू सिंह इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनका बल्ला जमकर दहाड़ रहा है। एशियन गेम्स में भी टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था और अब एक बार फिर से अपने आप को साबित करने का रिंकू सिंह के पास सुनहरा मौका है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नजर आएंगे और इन्हें भी लंबे समय बाद सूर्य कुमार यादव की वजह से टीम में वापसी की है। एशिया कप और विश्व कप में जगह न मिलने पर उन्होंने क्रिकेट खेलने से भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर भरोसा जताकर उन्हें टीम में शामिल किया है। उम्मीद है कि इनका बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर दहाड़ सकता है। स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल के साथ साथ रवि बिश्नोई को रखा है। इन दोनों की फिरकी बड़े आराम से कंगारू बल्लेबाजों की कमर तोड़ सकती है, इसीलिए सबसे अधिक भरोसा जताते हुए सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में जगह दिया है। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की भूमिका अकेले अक्षर पटेल निभाने वाले हैं। इनका बल्ला भी गेंद के साथ साथ खूब दहाड़ता है। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हमें और अर्षदीप सिंह के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार की टीम में जगह दिया गया है। इन तीनों की तिगड़ी गेंदबाजी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तहस नहस कर सकती है। इन 11 भूखे शेरों के साथ विश्व कप का बदला लेने के लिए सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर पहले T20 मैच में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला सूर्य कुमार यादव ले पाएंगे? दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ हुई फाइनल मैच में बेईमानी को देखकर भड़क उठे वेस्टइंडीज के दिग्गज। फाइनल मैच को दोबारा कराने के लिए किया ICC से अनुरोध। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम की हार के साथ वर्ल्ड कप जीत का सपना भी टूट चुका है। हालांकि मैच में हार के बाद अब रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी का खुलासा सभी के सामने हो चुका है। इस बीच
वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को लेकर बयान दिया और इस दौरान क्रिस गेल से लेकर ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को देखकर ऑस्ट्रेलिया को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भारत के साथ हुई बेईमानी को देखकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम और रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी के बाद फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ शानदार अंदाज से जीता है, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया, भारत के करोड़ों देशवासियों का दिल टूटा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की बेईमानी का खुलासा हुआ। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट देने वाली अंपायरिंग और ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैचों में भारतीय टीम को बेशक जीत ना मिली हो, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीत के असली हकदार थे, क्योंकि भारतीय टीम ने लगातार 10 मैचेस जीते थे और ऐसे में कोई भी टीम लगातार 10 मैच जीतने के बाद चैंपियन बनने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ इस फाइनल मैच में काफी बड़ी बेईमानी देखने को मिली, अगर रोहित शर्मा को चालाकी के साथ पवेलियन का रास्ता नहीं दिखाया जाता तो रोहित शर्मा अर्धशतक के साथ शतक लगाने के बाद भारत को 400 तक पहुंचाने का काम करते, लेकिन यहां पर उनके साथ हुई बेईमानी के चलते भारत को नुकसान हुआ। तो वहीं ड्वेन ब्रावो ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को बेईमानी के चलते हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में अगर हेड रोहित शर्मा को गलत तरीके से कैच आउट नहीं करते तो शायद भारतीय टीम का स्कोर कुछ और होता और भारतीय टीम बिना प्रेशर के मैच को आसानी से अपने नाम कर लेती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में रोहित शर्मा के साथ सरेआम बेईमानी को देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मैच में बेईमानी होने का मकसद आईसीसी के नियमों को चरम पर रखने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि आईसीसी फाइनल मैच और दोबारा से कराने का बड़ा निर्णय ले। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा, पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था और अंतिम मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी संघर्ष किया और ऑस्ट्रेलिया के बीच को आसानी से जीतने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ फाइनल मैच में हुई बड़ी बेईमानी को देखकर मुझे लगता है कि आईसीसी को अपने अंपायरिंग में काफी बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैच के कारण भारत का दिल टूटा है। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि अंतिम मैच में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को बेईमानी के चलते जीती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के कैच को लेकर हुई बेईमानी से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आईसीसी कभी भी कोई मैच अपने प्रदर्शन के दम पर नहीं जीत पाती है, बल्कि बेईमानी के चलते मैच को अपने नाम करती है और ऐसे में आईसीसी से दरख्वास्त मैं करता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच दोबारा से कराया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।